इस मस्तिष्क के अंदर एक चुंबक लगाकर भेजी है। अच्छा सोच रहे हो, अच्छा होगा। बुरा सोच रहे हो, बुरा होगा। किसका बुरा होगा? आप दूसरे का बुरा सोच रहे हो ना, उसका कभी बुरा नहीं होगा। बुरा किसका होगा? जो सोच रहे हैं हम, वो हमारा ही बुरा होगा। चुंबक लगी है इस मस्तिष्क में, इस भेजे में, घुटने में दर्द है ना। ये कभी विचार मत करो कि मेरा ऑपरेशन होगा, मेरा घुटना बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर से दवाई भी लो, सब कुछ करो, पर ये विचार करो कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, भगवान का भजन करूंगी, शंकर के मंदिर जाऊंगी, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, बेलपत्र चढ़ाऊंगी और जल बेलपत्र चढ़ाकर उसका पान करूंगी और यह मेरा विश्वास कहता है कि मैं ठीक होऊंगी, मुझे घुटना बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं ठीक हो जाऊंगा, यह मेरा विश्वास कहता है, यह मेरा भरोसा कहता है। चुंबक लगी है एक मस्तिष्क के अंदर, एक आकर्षण परमात्मा देकर भेजता है। चलो एक प्रैक्टिकल कर देखिए, आप सब एक प्रैक्टिकल करो। जितने लोग कथा वास्ता चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सुन रहे हैं, दीपावली के बाद, दीपावली के पहले या कल परसों से एक विचार करना कि मुझको ये खाना है या मुझको ये लाना है, या मेरे पास में धन नहीं तो धन की व्यवस्था, मुझे 5,000 2,000 3,000 15,000 की जरूरत है और वो मुझे चाहिए। 3, 4, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक स्वस्थ रहो, विचार कर, चाहिए मुझे, कहीं से व्यवस्था हो जाए, बाबा कुछ भी करे, कैसे भी मुझे पाना। भोजन के लिए विचार करो कभी कि मुझे भोजन लग चाहिए, मुझे आज ये खाना है, मुझे 5 दिन बाद 10 दिन बाद मेरा मन है कि मुझे ये प्राप्त करना, धीरे 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 वो चीज आपके पास आती चली जाए, अपने पास अच्छा सोचिए, अच्छा विचारिए। जब अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचारेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचारेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो निश्चित है कि अच्छा हमें मिलेगा। हम हमेशा जरा सी बीमारी आई, जरा सा रोग आया, जरा सी तकलीफ आई, जरा सा कष्ट आया, जरा सी तकलीफ में हम विचार करने लगते हैं कि मुझे ये तकलीफ हो रही। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, 3 दिन की शिव चर्चा कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र कंकर शंकर की धरा पर जो हो रही है, उसमें आज विराम दिवस की कथा कहती है, अशांति हमको संसार भी देता है, अशांति हमको संपत्ति भी देती है, अशांति हमको संबंध भी देते हैं और अशांति हमको स्वास्थ्य भी देता है। हम सोचने में पड़ जाते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे ये तकलीफ हो गई, मुझे ये कष्ट हो गया, मुझे ये तकलीफ होती चली जा रही, हमारे भीतर से अशांत होते चले जा रहे, भीतर से हम अशांत होते चले जा रहे। शांति गई, चार स्थान अशांति के तो ये बता दिया, नंबर पर कहा कि संतान भी अशांति दे जाती है, संतान। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पुत्र के लिए किया गया कर्म है और बेटी के लिए किया गया धर्म है। धर्म है पुत्र के लिए करना, ये तुम्हारा कर्म है, मेरे को दुकान लगाना है, बच्चों को
को सेटल करना है, बच्चों को ये करना है, बच्चों को वो करना है, मेरे बेटे के लिए व्यवस्था करना है, मेरे बेटे की शादी करना है, मेरे बच्चे के लिए करना है, पुत्र के लिए करा गया ये कर्म है, बेटे के लिए तुम लाखों की संपत्ति छोड़कर जाना वो धर्म नहीं कहलाएगा, बेटे के लिए तुम दुनिया भर की दौलत छोड़कर जाना वो धर्म नहीं कहलाएगा, पर बेटे के लिए अगर कुछ कर रहे हो, उसको अगर लैपटॉप दिला रहे हो ये कर्म है, उसको मोबाइल दिला रहे हो ये तुम्हारा कर्म है, तुम अगर बेटे के लिए जमीन कर रहे हो ये तुम्हारा कर्म है, अगर बेटे को तुमने दुकान खोली ये तुम्हारा कर्म है, क्योंकि तुम पिता हो, बेटे के लिए करना पड़ेगा, माँ अगर बेटे के लिए रकम बनवा रही है ये कर्म है, बहू के लिए कुछ कर रही है तुम्हारा कर्म है, बेटे के लिए जितना करा वो कर्म है, गाड़ी लाए कर्म है, क्योंकि बेटे के लिए लाना पड़ेगी, बहुओं के लिए लाना पड़ेगी, मकान बनाना पड़ेगा, जमीन करना पड़ेगी, जायदाद करना पड़ेगी, ये सब कर्म की गिनती में आगे, ये सब कर्म, दुकान बनाओ बेटे के लिए जरूरी है, जमीन करो बेटे के लिए जरूरी है, मकान बनाओ बेटों के लिए जरूरी है, बहू लाओ बेटों के लिए जरूरी है, गाड़ी बंगला करो बेटों के लिए जरूरी है, तुम्हारा कर्म है, करना ही पड़ेगा, पर बेटी अगर घर में आई और बेटी का अगर तुम लालन पालन कर रहे हो, बेटी को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, शादी कर रहे हो, विवाह कर रहे हो, उसको पढ़ा रहे हो, तो ये तुम्हारा कर्म नहीं है, ये तुम्हारा जम के बोलो जरा, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म और धर्म का लेवल बराबर लेकर चलना, अर्थात बेटे के लिए भी करो तो बेटी के लिए भी करते रहना, दोनों का लेवल बराबर लेकर चलिए, कर्म और धर्म के लेवल को बराबर लेकर चलोगे तो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी, तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा, कर्म और धर्म के लेवल को बराबर बनाइए। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, अरे ओ ज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ ज्ञानी तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, अपने कर्म का लेवल और अपने धर्म का लेवल दोनों को बराबर कर कर चले, कर्म को धर्म को बराबर बना कर चले, कर्म और धर्म दोनों बराबर, संसार संपत्ति